तो चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रगति मित्तल शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती थी। उन्होंने गणित विज्ञान समूह में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रगति का कहना है कि इस सफलता से काफी खुश है। इसका श्रेय वे ईश्वर अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती है। उनका सपना है कि वे IAS बनकर देश की सेवा करें और समाज के लिए खुशहाल जीवन प्रदान करें। प्रगति ने बताया कि वो छोटे छोटे गोल बनाकर अध्ययन करती हैं और उसी के साथ इस दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा बधाई दी गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने वीडियो कॉल पर बेटी को बधाई दी। अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो भगवान जी को देना चाहूंगी और फिर मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया था, एंड मेरे टीचर्स को देना चाहूंगी और मेरे भैया को देना चाहूंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती से सेलिब्रेशन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने को सुनने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा और फ्यूचर के लिए भी ऐसा ही करने के लिए बोला कि आगे भी नाम रोशन करते रहिएगा, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और मोटिवेट फील करा अपने आप में मैंने। बहुत आगे मैं IAS बनना चाहती हूँ, उसके लिए UPSC की प्रिपरेशन करूँगी। हमारा जो जिला है वो पिछड़ा जिला है और ग्रामीण परिवेश है, इसके बाद भी आज हमारी बेटी ने पूरे मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो मैं बिटिया को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जैसा मेरी बेटी से बात हुई है, जब बेटी से बात की है तो जो उसका आत्मविश्वास है इतना मजबूत है कि आने वाले समय में वो निश्चित ही जो उसका सपना है, जो IAS बनने का सपना है, उसको वो पूरा करने वाली है। हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी हमारी बिटिया को शुभकामनाएं दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अच्छा रिजल्ट आया।